असम सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आगामी 48 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने उन पर ये रोक लगाई है। दरअसल बीपीएफ के चीफ हंगामा मोहिलारी को धमकाने के कथित आरोपों को लेकर हेमंत से चुनाव आयोग ने जवाब मांगा था। अब आयोग ने उन पर यह कार्रवाई की है। शर्मा की शिकायत चुनाव आयोग में कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस का कहना है कि शर्मा ने बीपीएफ चीफ को रैली में सार्वजनिक धमकी दी थी। कांग्रेस ने कहा शर्मा ने बीपीएफ चीफ को एनआईए का इस्तेमाल कर जेल भेजने की धमकी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सीएफआई समाचार। वेलकम सीएफआई न्यूज टू जमशेदपुर। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन जमशेदपुर एंड होप फ्रॉम योर एंड वी विल गेट ऑल द न्यूज एंड हैपनिंग्स इन जमशेदपुर। थैंक यू। मैं दीपक सहाय, कार्यपालक पदाधिकारी मानगोड़ नगर निगम। सीएफआई समाचार जमशेदपुर झारखंड को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आपके द्वारा सही निष्पक्ष समाचार जो है वो ससमय सबों को दिखाया जाएगा। नमस्कार, सीएफआई जमशेदपुर को मेरा बहुत बहुत बधाई। मैं टीके सुकुमारन श्री कृष्ण मंदिर रेलको से बोल रहा हूँ। वेलकम सीएफआई जमशेदपुर फ्रॉम एंटायर फेडरल बैंक फैमिली। आई एक्सटेंड आवर वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू टू द एंटायर चैनल। I hope that more practical news and good news comes to the entire public through your channel. Thank you so much. कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए टीकाकरण का काम जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों में चल रहा है। इस संबंध में मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय ने बताया कि उपयुक्त सूरज कुमार के निर्देश के बाद आम जनता को सुविधा देने के लिए मानगो में दो स्थानों पर निःशुल्क कोरोना टीकाकरण केंद्र खोला गया है। उन्होंने कहा कि उपयुक्त के निर्देश अनुसार 45 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष एवं महिला को वैक्सीन दिया जा रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। दीपक सहाय ने बताया कि दोनों शिविर में कोरोना टीकाकरण का अभियान अभी लगातार जारी रहेगा। देखिए, अभी हम लोग देखिए भैया कि 45 ईयर से अबव अब सब लोगों को हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं, तो अब उसका रिस्पांस भी बहुत बढ़िया आने लगा है। अभी तुरंत हम अभी ये जो हम लोग का राजस्थान धर्म भवन है वहाँ पर एक चल रहा है, तो काफ़ी लोग में उत्साह है और लोग अभी लाइन लगा के और ले रहे हैं, तो ये अभी चलता रहेगा जब तक पूरा नहीं हो जाता है हम लोग का कि 45 इयर्स एंड अबव जो अभी गाइडलाइन जो आया हुआ है जब तक सभी का पूरा नहीं हो जाएगा हम लोग का ये चलता रहेगा। गांधी स्कूल में कोविड 19 का टीका लेने वाले भाजपा नेता नितिन त्रिवेदी ने बताया कि कोरोना टीका लेने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करूंगा कि उन्नति काल में वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें। मैं नितिन चंद्र त्रिवेदी, जिला कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर। आज मैं इस गांधी मैदान कोविड सेंटर में टीका लिया। कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, बहुत आसानी से हुआ, कुछ भी दर्द नहीं, कोई पिंचिंग नहीं। और मैं आग्रह करूंगा 45 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं वो स्वेच्छा से आकर टीका ले, कोई डरने की बात नहीं है, कोरोना को हराना। इस संबंध में सहिया ने बताया कि लोग स्वेच्छा से आकर कोरोना टीका ले रहे हैं। दोनों शिविर में आज लगभग 200 लोगों ने कोरोना टीका लिया है। मेरा नाम रिंकी देवी है, मैं स्वास्थ्य सहिया मानगो दाई गुटू कुमारपाड़ा की सहिया हूँ। हमें यहाँ 45 साल से ऊपर वालों के कोरोना वैक्सीन में ड्यूटी लगी है, जिसमें यहाँ सभी कोई आराम से आ रहे हैं, भीड़ भी नहीं लग रही है, उन्हें टीका दिलवा रहे हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है और टीका ले रहे हैं और फिर जा रहे हैं। अभी तक कितने लोग टीका ले चुके हैं? अभी तक तो 65 हो गए हैं। ये कल भी चलेगा क्या यहाँ? जी। कितने दिन तक चलेगा? अभी तो बता नहीं सकते, कंटिन्यू रहेगा। जमशेदपुर से हमारे संवाददाता रघुवंश मणि सिंह की रिपोर्ट, सीएफआई समाचार। वेलकम सीएफआई न्यूज टू जमशेदपुर। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन जमशेदपुर एंड होप फ्रॉम योर एंड वी विल गेट ऑल द न्यूज एंड हैपनिंग्स इन जमशेदपुर। थैंक यू। मैं दीपक सहाय, कार्यपालक पदाधिकारी मानगोड़ नगर निगम। सीएफआई समाचार
जमशेदपुर झारखंड को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आपके द्वारा सही निष्पक्ष समाचार जो है वो ससमय सबों को दिखाया जाएगा। नमस्कार, CFI जमशेदपुर को मेरा बहुत बहुत बधाई। मैं TK सुकुमारन श्री कृष्ण मंदिर रेलको से बोल रहा हूँ। वेलकम CFI जमशेदपुर फ्रॉम एंटायर फेडरल बैंक फैमिली। आई एक्सटेंड आवर वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू टू द एंटायर चैनल। आई होप दैट मोर प्रैक्टिकल न्यूज एंड गुड न्यूज कम्स टू द एंटायर पब्लिक थ्रू योर चैनल। थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, बाइडेन प्रशासन द्वारा 22 और 23 अप्रैल को इस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवर्तक अरिंदम बागची ने एक ऑनलाइन प्रेस वार्ता में बताया, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। अमेरिका प्रशासन द्वारा 22 और 23 अप्रैल को आयोजित इस कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अमेरिका राष्ट्रपति के इस कदम की सराहना की है और उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। वेलकम CFI न्यूज टू जमशेदपुर। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन जमशेदपुर एंड होप From your end, we'll get all the news and happenings in Jamshedpur. Thank you. मैं दीपक साहेब, कार्यपालक पदाधिकारी मानगो नगर निगम। CFI समाचार जमशेदपुर झारखंड को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आपके द्वारा सही निष्पक्ष समाचार जो है वो ससमय सबों को दिखाया जाएगा। नमस्कार, CFI जमशेदपुर को मेरा बहुत बहुत बधाई। मैं TK सुकुमारन श्री कृष्ण मंदिर रेलको से बोल रहा हूँ। वेलकम CFI जमशेदपुर फ्रॉम एंटायर फेडरल बैंक फैमिली। आई एक्सटेंड आवर वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू टू द एंटायर चैनल। आई होप दैट मोर प्रैक्टिकल न्यूज एंड गुड न्यूज कम्स टू द एंटायर पब्लिक थ्रू योर चैनल। थैंक यू सो मच। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में 3,550 करोड़ रुपए लागत की कुल 539 किलोमीटर लंबी 21 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ। कुल 7 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 14 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी, केंद्र राज्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री VK सिंह, केंद्र आदिवासी कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, राज्य सरकार के मंत्रीगण, राज्य के लोकसभा तथा राज्यसभा सांसद एवं विधायक सभी उपस्थित रहे। रांची से हमारी संवाददाता निकिता की रिपोर्ट, CFI समाचार। वेलकम CFI न्यूज टू जमशेदपुर। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन जमशेदपुर एंड होप From your end, we'll get all the news and happenings in Jamshedpur. Thank you. मैं दीपक साहेब, कार्यपालक पदाधिकारी मानगो नगर निगम। CFI समाचार जमशेदपुर झारखंड को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आपके द्वारा सही निष्पक्ष समाचार जो है वो ससमय सबों को दिखाया जाएगा। नमस्कार, CFI जमशेदपुर को मेरा बहुत बहुत बधाई। मैं TK सुकुमारन श्री कृष्ण मंदिर रेलको से बोल रहा हूँ। वेलकम CFI जमशेदपुर फ्रॉम एंटायर फेडरल बैंक फैमिली। आई एक्सटेंड आवर वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू टू द एंटायर चैनल। आई होप दैट मोर प्रैक्टिकल न्यूज एंड गुड न्यूज कम्स टू द एंटायर पब्लिक थ्रू योर चैनल। थैंक यू सो मच। संवाददाता सम्मेलन में जमशेदपुर पूर्व के विधायक श्री सूर्य राय का प्रेस वक्तव्य में कहा कि जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अभी से एक वर्ष तक समस्या समाधान एवं संपर्क अभियान आरंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में पानी, बिजली, सफाई आदि जन सुविधाएं की वर्तमान स्थिति का आकलन किया जाएगा और समाधान किया जाएगा। एक वर्ष तक पूर्व विधानसभा क्षेत्र में केवल यही कार्यक्रम करने में विधायक से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता लगेंगे और कोशिश की जाएगी कि इस अवधि में छोटी बड़ी सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाए और टोलों मोहल्लों में संगन संपर्क अभियान चलाया जाए। एक साल का कार्यक्रम हम लेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में।
अभियान करेंगे समस्याओं के समाधान के लिए, और इसका नाम हमने रखा है समस्या समाधान और संपर्क। जिला स्तर से लेके बूथ स्तर तक जो भी लोग हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं वे सभी एक साल तक संपर्क करेंगे लगातार, और हर गली टोला मोहल्ला में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ढूंढेंगे, खोजेंगे और उसका निदान करेंगे। एक साल तक के लिए हम लोगों की यही राजनीति है। अभियान संचालन के लिए एक समिति गठित की गई जिसके संयोजक स्वयं क्षेत्र के विधायक श्री सूर्य राय होंगे। जमशेदपुर से हमारे संवाददाता योगेश पांडे की रिपोर्ट, सीएफआई समाचार।